Assalamualaikum, hello friends, welcome to my channel by the name of Royal Mentor. So today in this video we are going to study about industrial chemistry jo hai chapter number 22 chemistry ka second year. Okay, so industrial chemistry kya hai? Industrial chemistry ko applied chemistry bhi kaha jata hai. तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे कि केमिकल इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को बनाने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को क्या कहा जाता है, केमिकल इंडस्ट्री कहा जाता है. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. यानी इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में कमर्शियल लेवल पर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस वहां पर इन्वॉल्व होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है. अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लैब्स में जितने भी सब्सटेंसेस बनाया जाता है उन सब्सटेंसेस की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जो है कंबाइन कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. लैब में जितने भी सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं वो तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स उन पर किया जाता है, ना कि वो कमर्शियल लेवल पर बनाया जाता है. तो लैब्स में जितने भी सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं उन सब्सटेंसेस की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नहीं कह सकते, ठीक है? तो ये जो है एक क्वेश्चन अरेज होता है अक्सर औकात, इसलिए मैंने आप लोगों को इसका आंसर किया, ठीक है? तो अब जो है हम आगे जाते हैं. अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा कि इसको एप्लाइड केमिस्ट्री भी कहा जाता है. अब इसको एप्लाइड केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, ठीक है? तो केमिकल इंडस्ट्रीज में हम केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज करके, ठीक है, अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं डेली लाइफ के लिए. इसलिए ये जो है केमिस्ट्री का एक अप्लाइड ब्रांच है और शॉर्ट जो है हम इन शॉर्ट इसको क्या कहते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहते हैं. तो ये जो है आंसर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को अप्लाइड केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है. तो ये आंसर है कि केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज करके हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं डेली लाइफ के लिए, डेली लाइफ गुजारने के लिए. इसलिए ये केमिस्ट्री का एक अप्लाइड ब्रांच है और शॉर्टली हम इसको अप्लाइड केमिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है? अब जो है इसमें पहला जो टॉपिक है वो है पेस्टिसाइड, ठीक है? पेस्टिसाइड क्या है? पेस्टिसाइड जो है, इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म समझाता हूँ कि पेस्टिसाइड के साथ इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड क्या है. अब पेस्टिसाइड जो है ये इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड का कलेक्टिवली एक नेम है. यानी इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, पेस्टिसाइड कहा जाता है. अब इंसेक्टिसाइड क्या है? इंसेक्ट को किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज होता है उस केमिकल को इंसेक्टिसाइड कहा जाता है. और जो यानी हर्बिसाइड किसे कहते हैं, हर्बिसाइड जो है वो हर्ब्स को किल करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उस केमिकल को क्या कहा जाता है, हर्बिसाइड कहा जाता है. तो इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड को क्या कहा जाता है, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड को कलेक्टिवली पेस्टिसाइड कहा जाता है. यानी पेस्टिसाइड दो तरह के होते हैं, इंसेक्टिसाइड भी होते हैं और हर्बिसाइड्स भी होते हैं. तो अब जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि केमिकल्स यूज टू कंट्रोल पेस्ट. पेस्टिसाइड किसे कहते हैं, कि वो केमिकल जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पेस्टिसाइड कहा जाता है. अब ये पेस्ट क्या चीज है, हार्मफुल इंसेक्ट और हार्मफुल प्लांट यानी अनवांटेड प्लांट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, पेस्ट कहा जाता है. और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पेस्टिसाइड कहा जाता है, ठीक है? मेरा उम्मीद है कि आप लोग इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को समझ चुके होंगे और पेस्ट को भी समझ चुके होंगे. अब जो है यहां पर गुड पेस्टिसाइड कौन कौन से होते हैं, अच्छे पेस्टिसाइड कौन से होते हैं और बुरे पेस्टिसाइड कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटी होती है, ठीक है? तो यहां पर जो है अ गुड पेस्टिसाइड शुड बी स्पेसिफिक इन एक्शन, ठीक है? गुड पेस्टिसाइड की पहला क्वालिटी ये होगी कि ये एक्शन में स्पेसिफिक होगा. अब इसका क्या मतलब कि एक्शन में स्पेसिफिक होगा, जिस इंसेक्ट को, जिस हार्मफुल प्लांट को हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी को मारे, ये पेस्टिसाइड सिर्फ और सिर्फ उसी को मारे जो हम मारना चाहते हैं, ना कि उनको मारे जो हम मारना नहीं चाहते. अब इसका क्या मतलब, देखिए हमारे साथ जो है हार्मफुल प्लांट्स भी होते हैं और यूजफुल प्लांट्स भी होते हैं, हार्मफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं और यूजफुल इंसेक्ट्स भी होते हैं. हम जो है हार्मफुल इंसेक्ट और हार्मफुल प्लांट के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जो है
पेस्टिसाइड की पहला क्वालिटी ये होनी चाहिए कि ये स्पेसिफिक इनेक्शन होनी चाहिए, यानी हम हार्मफुल प्लांट और हार्मफुल इंसेक्ट को मारने के लिए जो इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं, तो वो स्प्रे जो है वो पेस्टिसाइड सिर्फ और सिर्फ इन ही हार्मफुल प्लांट्स और सिर्फ इन ही हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारे, न कि यूजफुल प्लांट्स को और न कि यूजफुल इंसेक्ट को मारे, ठीक है। तो इसलिए ये स्पेसिफिक इंजेक्शन होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी इसमें क्या होनी चाहिए, द मॉलिक्यूल ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी अनस्टेबल एंड डिकम्पोज क्विकली इनटू अनहार्मफुल प्रोडक्ट्स। पेस्टिसाइड जो है ये क्या होनी चाहिए, ज़्यादा स्टेबल नहीं होनी चाहिए, अनस्टेबल होनी चाहिए, और इसका ये डिकम्पोज यानी ये क्विकली डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि अगर हम खेतों में स्प्रे कर ले, ठीक है, हम जो है उन खेतों से सब्जियां खाते हैं, ठीक है, तो वो फूड चेन के जरिए, ठीक है, एट द एंड वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, वो केमिकल्स जो हमने खेतों में स्प्रे किया था और वो खेत वो सब्जियां हमने खाई, तो फूड चेन के जरिए वो हमारे अंदर आ गए, ठीक है, वो केमिकल्स वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो गए। अब अगर ये केमिकल्स डिकम्पोज ना हो और ये जो है वही उसी तरह मॉलिक्यूल फॉर्म में हो, तो ये हमको भी मार देंगे, हमारे लिए ये एक हार्मफुल है, ठीक है। अगर ये अनस्टेबल हो और जल्दी डिकम्पोज हो जाए तो फिर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्वालिटीज़ यानी एक्शन में स्पेसिफिक होनी चाहिए और स्टेबल नहीं होनी चाहिए, अनस्टेबल होनी चाहिए और डिकम्पोज हो जाए क्विकली, तो ये अच्छी पेस्टिसाइड की, गुड पेस्टिसाइड की क्वालिटी होती है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर सम पेस्टिसाइड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। सम पेस्टिसाइड यूज्ड फर्स्ट आर द फॉलोइंग बिलो, ओके। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हुए थे, ठीक है, तो उन पेस्टिसाइड को हम पढ़ेंगे कि उन पेस्टिसाइड में अच्छे कौन से थे, बुरे कौन से थे, कौन कौन से पेस्टिसाइड को बैन किए गए और कौन कौन से पेस्टिसाइड को बैन नहीं किया गया। तो उन पेस्टिसाइड्स में पहले पेस्टिसाइड जो है वो है लेड आर्सेनेट। लेड आर्सेनेट जो है ये एक इनऑर्गेनिक आयनिक साल्ट है, Pb3SO4H2, ये एक लेड आर्सेनेट है, इनऑर्गेनिक आयनिक साल्ट है, ठीक है। अब जो है ये पुराने ज़माने में ये पेस्टिसाइड यूज़ हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, लेकिन फिर बैन हो गया और अभी भी ये लेड आर्सेनेट बैन है सारी दुनिया में, ठीक है। इसको क्यों बैन किया गया, इसको इसलिए बैन किया गया क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसमें आयनिक बॉन्ड्स मौजूद है, ठीक है, और आयनिक बॉन्ड्स आप लोग जानते हैं कि ये बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स। तो स्टेबल कंपाउंड की वजह से ये जो है ये फूड चेन के जरिए फाइनली बॉडी के अंदर जब एंटर हो जाती है तो यह ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्टेबल कंपाउंड्स की वजह से और हार्मफुल टू ह्यूमन और अदर मैमल्स या एनिमल्स के लिए ये हार्मफुल था, तो इसलिए इसको क्या किया गया, बैन किया गया, लेड आर्सेनेट को बैन किया गया और इसके इसको रिप्लेस किया गया निकोटीन सल्फेट से, ठीक है। अब निकोटीन सल्फेट क्या है, निकोटीन सल्फेट जो है निकोटीन और सल्फ्यूरिक एसिड के कंबाइन फॉर्म को क्या कहा जाता है, निकोटीन सल्फेट कहा जाता है। ये निकोटीन सल्फेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पायरिडीन रिंग है और ये जो है मिथाइल पायरोल रिंग है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, सबर करो आप लोग। अच्छा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, निकोटीन क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है निकोटीन का, ठीक है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और निकोटीन के कम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, निकोटीन सल्फेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये पायरिडीन रिंग है, ये मिथाइल पायरोल रिंग है, ठीक है, ये मिथाइल पायरोल जो है ये इसका कार्बन नंबर 2 और पायरिडीन का कार्बन नंबर 3 इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। अब जो है इसमें पहली बात ये है कि इसको अल्कलाइड्स भी कहा जाता है, ये हेड्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसको अल्कलाइड्स क्यों कहा जाता है, यानी अल्कली लाइक क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है, ठीक है, और ये लोन पेयर बेसिक करेक्टर शो करता है, तो इसलिए अल्कली लाइक, यानी ये एक बेसिक
कंपाउंड है और ये एसिडिक कंपाउंड है। आप लोग जाने कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये एसिडिक है नेचर में। तो ये एसिड और ये बेस, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, निकोटीन सल्फेट साल्ट बनाता है। ठीक है, ये अल्कलाइड्स जो है ये क्या होते हैं, ये हेड्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लास है और उस क्लास को क्या कहा जाता है, अल्कलाइड्स कहा जाता है। अब जो है ये निकोटीन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, निकोटीन जो है टुबेको लीव से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2:1 के साथ कंबाइन किया जाता है, यानी निकोटीन जो है ये 2:1 में होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 में होते हैं, 2:1 के साथ इसको कंबाइन किया जाता है और क्या बनाता है, निकोटीन सल्फेट हम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पढ़ लिखा है कि निकोटीन जो है ये ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। निकोटीन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, टुबेको लीव से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और हार्मफुल है ह्यूमन के लिए। अब जो है ये भी बैन किया गया, क्यों बैन किया गया, क्योंकि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल था और ह्यूमन के लिए हार्मफुल था। अब ह्यूमन के लिए किस तरह हार्मफुल था, ये क्वेश्चन अराइज होता है ना आप लोगों के माइंड में, ये क्वेश्चन होगा कि भाई किस तरह ये ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। आप लोग जानते हैं कि निकोटीन क्या है, ये डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते। क्यों रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये लंग कैंसर काज करते हैं, ये पॉइजनस है। ठीक है, लेकिन इतना भी पॉइजनस नहीं है, थोड़ा यानी पॉइजनस का रेशो कम है। ठीक है, लेकिन जब भी इसको, इस निकोटीन को सल्फर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं। और ह्यूमन के लिए पॉइजन जो है, पॉइजनस हार्मफुल है, ह्यूमन का डेथ वाकई हो सकती है इस निकोटीन सल्फेट से। तो इस वजह से इसको भी बैन किया गया। ठीक है, निकोटीन सल्फेट को भी बैन किया गया। इसके बाद हमने जो है निकोटीन सल्फेट को रिप्लेस किया बाय DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ठीक है, इसमें जो है ये डाइक्लोरो है। ठीक है, ये आप क्लोरीन देख सकते हैं, ये फिनाइल रंग के साथ अटैच है, ये क्लोरीन ग्रीन कलर में, ये ब्लू फिनाइल रंग के साथ अटैच है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, दो फिनाइल है, एक रिंग ये है एक रिंग है, डाइक्लोरो एक ये है एक ये है। ठीक है, और ट्राईक्लोरो, ये ट्राई जो है क्लोरीन है, ए 1, 2, 3 क्लोरीन है, ईथेन ये है, कार्बन नंबर 1 ये है और कार्बन 2 ये है। तो पेरेंट चेन ये है, ये जो है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक कार्बन है और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एक कार्बन है, यानी कार्बन नंबर 1 पर 3 क्लोरीन है और कार्बन नंबर 2 पर क्या है, 2 फिनाइल रिंग्स है। ठीक है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन, तो डी जो है ये डाइक्लोरो से है। ठीक है, दूसरा डी जो है ये डाइफिनाइल से है और टी जो है ये ट्राईक्लोरोइथेन से है। ठीक है, DDT ये जो है ये एक पेस्टिसाइड है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आजकल सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, DDT जो है ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों जो है, पेस्टिसाइड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, DDT का दूसरा पॉइंट जो है मैंने लिखा है कि ये एक्शन में स्पेसिफिक होती है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पास्ट में, क्योंकि ये एक्शन में स्पेसिफिक होता था। किस तरह स्पेसिफिक होता था, क्योंकि ये यूज्ड इन स्मॉल कंसेंट्रेशन इन विच इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस। इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाता था इस DDT का, यानी स्मॉल कंसेंट्रेशन के साथ इसको यूज़ किया जाता था, जिसके उस डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो इंसेक्ट्स को किल करते थे। ठीक है, लेकिन हमारे लिए हार्मफुल नहीं था, तो इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा वक्त के लिए यूज़ हुआ था और ये इसका एक गुड पॉइंट है। ठीक है, इसके फिर इसको भी बैन किया गया कुतर से के बाद। क्यों बैन किया गया, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे जो कि छुपे हुए थे और लोगों को थोड़ी देर बाद पता चला गया। ये जो है नॉन पोलर था, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर का मतलब यह है कि ये वाटर में सोलेबल नहीं है। तो ये जो है ये एक अच्छा पॉइंट नहीं था DDT में, जो मैं आप लोगों को थोड़े बाद बताऊंगा कि किस तरह ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये वाटर में सोलेबल नहीं है, फैट सोलेबल। अच्छा, ये नॉन पोलर था और आप लोग यहाँ पर देखो ये स्टेबल मॉलिक्यूल भी था। ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल यानी इसका हाफ लाइफ जो है 10 से लेकर 15 ईयर तक था। ठीक है,
ये पॉइंट मैंने स्किप किया, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। ये स्टेबल मॉलिक्यूल था और नॉन पोलर था, इस वजह से इसको बैन किया गया, नॉन पोलरिटी की वजह से और स्टेबल मॉलिक्यूल की वजह से। अगर हम इसको खेत में इंसेक्ट को किल करने के लिए स्प्रे करते थे तो ये वो मॉलिक्यूल जो है डीडीटी का मॉलिक्यूल उस खेत में 10 ईयर से लेकर 15 ईयर तक वहाँ पर मौजूद होता। अगर हम वहाँ पर 1 ग्राम डीडीटी स्प्रे कर लेते थे तो 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर हम वहाँ पर टेस्ट करते डीडीटी के मौजूदगी की, तो वहाँ पर फिर भी जो है क्या होता था, 1 ग्राम से 0.5 ग्राम फिर भी वहाँ पर मौजूद होता था। यानी ये काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से इसको बैन किया गया। अब जो है हम वहाँ पर अगर ये 10 साल के लिए पड़े होंगे ये डीडीटी, वहाँ पर हम 10 साल में कितने खेत हमने उगाए हुए होंगे, वहाँ से हम कितने जो है सब्जियाँ कई हुई होगी, ठीक है, तो फिर जो है वो सब्जियों में ये डीडीटी हम इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता था और हमारे अंदर जो ये एंटर होता था, ठीक है, ये डीडीटी मॉलिक्यूल, तो ये तो वाटर सोल्युबल नहीं था, तो ये इसलिए जो है फैट सोल्युबल मॉलिक्यूल था, ठीक है। ये फैट में डिपॉजिट होते थे, यानी डिपॉजिट्स इन फैटी टिश्यूज, फैट टिश्यू में डिपॉजिट होते थे, ठीक है। ये डीडीटी क्यों डिपॉजिट होते थे, क्योंकि ये वाटर में सोल्युबल नहीं था, यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होता था, ठीक है। ये जो है फैट में डिपॉजिट होते थे व्हेन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू फूड चेन, ठीक है। तो फिर जो है ये फैट में डिपॉजिट होते थे, वहाँ पर जमा होते थे, और जब इसका कंसंट्रेशन 100 से लेकर 1000 PPM तक पहुँच जाता था तो इससे लीथल बन जाता था, और लीथल की वजह से ह्यूमन मरते हैं, ठीक है। तो इस वजह से डीडीटी को भी क्या किया गया, बैन किया गया। अब इसको फिर हमने जो है पैराथायोन से रिप्लेस किया। ये जो है पैराथायोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। अगर हम CH3 के बजाय यहाँ पर हाइड्रोजन लगाए तो फिर ये मिथाइल पैराथायोन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी हार्मफुल था ह्यूमन के लिए, लेकिन पैराथायोन जो है अगर हम डायरेक्ट लिखाए तो यकीनन यार हार्मफुल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छा पॉइंट ये था, पैराथायोन अब भी यूज़ होता है, ये पैराथायोन बैन नहीं है, ठीक है। पैराथायोन हमारे बुक, ये जो मैंने आप लोगों को सारा सब कुछ पढ़ा है ये बुक में मौजूद है, ठीक है, FSC सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चैप्टर में, विच इज़ द 22 चैप्टर। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है, और जिसकी वजह से ये बैन नहीं है वो ये है कि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है और क्विकली डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। पैराथायोन जो है ये हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, लेकिन जब हम इसको खेत में स्प्रे करते हैं ये थोड़े वक्त बाद ये क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है, और ये क्या ह्यूमन को फिर जब फूड चेन के ज़रिए ह्यूमन तक पहुंच जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है, तो ये उस वक़्त तक डिकम्पोज हुआ होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए पैराथायोन ह्यूमन को क्या करता है, यानी हार्मफुल इतना नहीं है, जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसलिए पैराथायोन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद जो है अदर क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड्स भी मौजूद है, जिसमें है मायरेक्स, आप लोग ये देख सकते हैं, अल्ट्रेन जो है, क्लोरडेन है, हिप्टाक्लोरो है, डाई अल्ड्रेनो है, एट्सेट्रा, ठीक है, बहुत मुश्किल नाम है। तो ये जो है ये क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड्स है जो यूज़ होते हैं आजकल, ठीक है। So I hope you enjoyed this topic. So wish you best of luck. See you in the next video. Goodbye.